एक गांव में सुमित नाम का लड़का रहता था। उसके पिता लकड़ी का सामान बनाने का काम किया करते थे, पर आजकल लकड़ी के सामानों की बिक्री बंद हो जाने के कारण सुमित एक मैकेनिक का काम करने लगा। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था, पर उसकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे हमेशा ताने दिया करती थी। आज विमला ने सोने के गहने खरीदे हैं और एक मेरी फूटी किस्मत, आपकी कमाई से तो हमारे रोज का खर्चा ही निकल जाए वही बहुत है। अरे ऐसी बातें क्यों करती हो, देखना एक दिन मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। इतनी मेहनत करूंगा कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, फिर तुम्हें कार में घुमाऊंगा। मेहनत से कभी कोई कुछ हासिल कर पाया है भला? अब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली। जब से इस घर में मेरी शादी हुई है मैंने तो सपने देखना ही छोड़ दिया है। सुमित गैरेज में खूब मेहनत करता, दिन भर अपने काम में ही लगा रहता। अब तो वो अपने खाने पर भी ध्यान नहीं देता था। उसकी कड़ी मेहनत को देखकर उसके गैरेज का मालिक कहता है, क्या बात है सुमित, आजकल तुम गैरेज में दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हो, रात हो गई है, तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए। नहीं मालिक, मैं ओवरटाइम करूंगा, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मैं कार बनाना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है सुमित, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। सुमित ओवरटाइम से मिले पैसों को एक गुल्लक में जमा करता जाता है, और कुछ दिन बाद जब गुल्लक भर जाती है तो वो उस गुल्लक को फोड़कर सारे पैसे बाहर निकाल लेता है। आखिरकार मैंने इतने पैसे जमा कर ही लिए, अब इन पैसों से मैं कार के पार्ट्स खरीदूंगा और फिर उससे कार बनाऊंगा। कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आप कार बनाएंगे? फिर तो बन गई कार। हाँ सुमन, आज तक मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, पर मेरी दिली इच्छा थी कि मैं तुम्हें कार में घुमाऊं, इसलिए कई दिनों से मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। आज गुल्लक में बहुत पैसे हो गए हैं, इससे मेरे कार के लिए अच्छा खासा सामान आ जाएगा। सुमित दिन रात मेहनत करके कार को कंप्लीट बना लेता है। वो उसे चलाकर देखता है और कार चल पड़ती है। सुमित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ओह, आखिरकार मैंने बना ही लिया, मेरी कार, मेरी खुद की कार। अब सुमन मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करेगी। पूरे इलाके में शायद किसी के पास ऐसी अनोखी कार नहीं होगी। शाबाश सुमित, शाबाश। ऐसी लाजवाब कार तो हमने कभी नहीं देखी। मुझे तुम पर गर्व है। जल्द से जल्द ही कार अपनी पत्नी को दिखाओ। हाँ मालिक, अभी जाता हूँ। सुमित गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो मस्ती से कार चलाता है और गाना गुनगुनाता है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। रास्ते में उसकी नजर एक फूल की दुकान पर पड़ती है। वो फूल लेने फूल वाले की दुकान के पास अपनी गाड़ी रोकता है। वो मन ही मन सोचता है, सुमन के लिए कुछ फूल ले लेता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। गाड़ी से उतरकर वो फूल वाले से कहता है, अरे फूल वाले भैया, जरा अच्छे अच्छे लाल गुलाब दिखाना। देखिए भैया, कौन से गुलाब पैक कर दूं? सारे गुलाब ताजे हैं, ये लाल गुलाब लीजिए, भाभी खुश हो जाएंगी। सुमित दुकान से गुलाब लेकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, देखता है कि कार वहां है ही नहीं। हे भगवान, कहां गई मेरी कार, यही तो खड़ी की थी मैंने, मेरे सारे पैसे उसमें लगे थे, अब मैं सुमन को क्या कहूंगा। भैया आप देरी मत करिए, तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाइए। सुमित भागते भागते पुलिस स्टेशन जाता है। पसीने से लथपथ सुमित पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पर वहां उसे कोई नहीं दिखता। पर पुलिस स्टेशन के बाहर एक हवलदार कुर्सी पर बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। सुमित उसके पास जाता है। हवलदार साहब, मेरी कार चोरी हो गई है, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। तुम फटीचर, तुम्हारे पास कार कहां से आएगी, जाओ, मेरा टाइम खोटी मत करो। मैं एक मैकेनिक हूँ, मैंने बनाई कार, आप मुझे बड़े साहब से मिलवा दीजिए, मेरी सारी मेहनत की कमाई उस कार को बनाने में लगी हुई है। मेरी पत्नी को पता चला कि कार चोरी हो गई है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना आसान काम नहीं है रिपोर्ट दर्ज करवाना। रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहले तुम्हें टाइपराइटर से सारी बातें लिखवा कर लानी होंगी, उसके बाद कहीं रिपोर्ट दर्ज होगी। और जहां तक रही बड़े साहब से मिलने की बात, तो बड़े साहब तो अभी छुट्टी पर हैं, 4 दिन बाद ही आएंगे, तुम 4 दिन बाद आना। सुमित बहुत दुखी हो जाता है और उदास चेहरे के साथ अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है।
रास्ते पर उसकी नजर शहर से आए कुछ लोगों पर पड़ती है जो तरह तरह की कार लिए लाइन में खड़े थे। वहाँ जोर जोर से अनाउंसमेंट हो रही थी, कार रेस जीतिए और पाए 10 लाख रुपए नकद इनाम। अगर मेरे पास मेरी कार होती तो आज मैं जीत जाता, पर शायद मेरी किस्मत में ऐसा लिखा ही नहीं है। सुमित घर पहुंचता है और सारी बात सुमन को बताते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो सुमन, शायद मेरी किस्मत में खुशियां है ही नहीं और मैं तुम्हें भी खुशी नहीं दे पा रहा। इतने दिनों से दिन रात मेहनत करके मैंने पाई पाई जोड़ी और कार बनाई और वो कार चोरी हो गई। तुम्हारी सहेलियों के पति तो उन्हें क्या क्या तोहफे देते हैं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाता, मैं किसी काम का नहीं। क्यों जी, मैं आप पर गुस्सा करती हूँ तो आपने तो मुझे बिल्कुल बेगैरत ही समझ लिया। आपने इतनी मेहनत करके मेरे लिए कार बनाई, इतनी किस्मत वाली तो मेरी कोई सहेली नहीं हो सकती है। माना अब आपके पास पैसे नहीं बचे, पर कला तो आपके हाथों में है। इस कला का मैं करूँगा भी क्या, अगर आज मेरी कार रहती तो मैं कार रेस में हिस्सा लेकर 10 लाख रुपए जीत जाता। मेरे पास एक आइडिया है, आपको तो लकड़ी का काम पहले से ही आता है, क्यों ना आप एक लकड़ी की कार बनाए और उस कार से रेस में हिस्सा ले। उस रेस में तो लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर रेस करने आए हैं और मैं लकड़ी की कार से कैसे रेस जीतूंगा। गाड़ी तो इंजन से चलती है ना, उसकी बॉडी अब लोहे की हो या लकड़ी की क्या फर्क पड़ता है। मैं अभी बाबूजी का कमरा खोलती हूँ, उसमें बहुत सारी लकड़ी रखी हुई है। सुमित अपने बाबूजी का कमरा खोलता है जिसमें लकड़ी की मोटी मोटी लट्ठे रखी होती हैं। सुमित आरी उठाता है और लकड़ियों को काटना शुरू करता है। वो दिन रात मेहनत करके हूबहू वैसी ही कार बना लेता है जैसी कार उसकी चोरी हुई थी। सुमित बड़ी चालाकी से इस कार के इंजन में एक सिलेंडर लगा देता है जिससे बटन दबाते ही कार हवा से भी तेज चल सकती थी। देखा जी, मैंने कहा था ना आप कार बना लेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब आएगा मजा, तुम देखना अब मेरी कार की स्पीड का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। सुमन, ये सब तुम्हारे विश्वास के कारण ही हो पाया है। अब आप देरी मत करिए, जल्द से जल्द कार रेस में जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि रेस शुरू हो जाए। सुमित अपनी लकड़ी की कार लिए कार रेस में जाता है। उसकी लकड़ी की कार को देखकर वहां बाकी लोग हंसते हुए कहते हैं, देखो देखो कैसा बेवकूफ आदमी है, लकड़ी की कार लेकर कार रेस में आया है। ये बैलगाड़ी हमारे कार के आगे नहीं टिकेगी, यहाँ कोई भी मुंह उठाकर रेस में भाग लेने चला आता है यार। छोड़िए जी, क्यों इनकी बातों पर ध्यान देते हैं, आप अपना मनोबल टूटने मत दीजिए, हम तो इसी कार से जीतेंगे। बड़ी हिम्मत करके सुमित उस रेस में अपनी कार लेकर रेसिंग ट्रैक पर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसकी तरफ देखकर उसका मजाक बना रहे होते हैं। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और इसका मनोबल टूटने लगता है। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है सारे लोग सुमित से आगे निकल जाते हैं। अरे यार क्या, ये सिलेंडर का बटन काम क्यों नहीं कर रहा। अरे चालू हो जा मेरी कार, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। लगभग रेस खत्म ही होने वाली होती है और सुमित सबसे पीछे छूट जाता है। आपको जीतना होगा सुमित जी, आपको आज साबित करना है इन लोगों को कि आप कितने काबिल हैं। किस्मत बार बार मौका नहीं देती। लेकिन तभी करिश्मा होता है, कार में लगा सिलेंडर अचानक ही चालू हो जाता है और सुमित की कार हवा से भी तेज भागने लगती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं और सब प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए सुमित वो रेस जीत जाता है। सुमित पहली पोजीशन पाकर रेस जीत जाता है। सारे लोग सुमित की तारीफ करते हैं। वाह भाई वाह, लकड़ी की कार से ये लड़का रेस जीत गया, ये तो बड़ा होनहार आदमी लगता है भाई। इस तरह सुमित को 10 लाख रुपए इनाम में मिलते हैं और गांव में सुमित की इज्जत बहुत बढ़ जाती है और वो लकड़ी की कार बनाकर उसे विदेशों में बेचने का बिजनेस शुरू कर देता है और खूब पैसे कमाता है। धर्मेश एक छोटे से खोखे में गाड़ी और स्कूटर आदि वाहन में पंक्चर जोड़ने और हवा भरने का काम करता था, पर उसकी कमाई बहुत कम होती थी,
धर्मेश की पत्नी चारुलता हर वक्त धर्मेश को ताने देती रहती थी। ये लो दाल रोटी, ठूस लो पेट में। क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो? और क्या करूं, तुम्हारी आरती उतारूं? बस शादी करके ले आए और आज तक एक रुमाल भी मुझे नहीं खरीद कर दिया तुमने। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, तुम जैसे गरीब पंक्चर जोड़ने वाले के साथ मैं जुड़ गई। कहां से लाऊं पैसे, जितना बन पड़ता है कोशिश करता ही हूँ कमाने की, जब देखो हर बात पर चिक चिक करती रहती हो। धर्मेश चारुलता के तानों से तंग आ गया था। वो सोचता था कि किस तरह से चारुलता खुश रहे, पर वो कभी भी खुश होती ही नहीं थी। एक दिन चारुलता और धर्मेश बाजार से आते हैं। अब तो जिंदगी सच में लग रहा है बर्बाद हो रही है, पूरे रास्ते पैदल गए और पैदल ही आए। अरे कम से कम एक रिक्शा ही कर लेते रास्ते में, एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। चारू मैंने कहा तो था गन्ने का रस पी लो, तुम्हें ही नखरे सूझ रहे थे, अब घर आकर बड़बड़ा रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? सची तो बोल रही हूँ, दुनिया की गाड़ियों के पंक्चर जोड़ते हो, हवा भरते हो, कभी एक बार भी सोचा है हमारी अपनी कार होती तो कितना ऐश होता? पर ये सब सोचने की तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है, अब देखो चले गए, मैं बोलती रहूँ पागलों की तरह। चारुलता बोलती रहती है और धर्मेश घर से बाहर चला जाता है। वो अपने खोखे पर पहुंचता है। भैया देखना जरा, पीछे के टायर में शायद हवा कम है। अभी भर देता हूँ भैया। धर्मेश कार में हवा भरते हुए देखता है, गाड़ी में बैठा एक बच्चा खेल रहा है। उस बच्चे के हाथ में मिट्टी के खिलौने वाली एक कार है। धर्मेश अपने मन में कुछ सोचने लगता है, ये काम मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं एक मिट्टी की कार बनाऊंगा जिसे देखकर चारुलता बहुत खुश हो जाएगी। धर्मेश दिन रात मेहनत करके बहुत ही खूबसूरत मिट्टी की कार तैयार करता है और अपनी शादी की सालगिरह के दिन वो कार लेकर चारुलता के पास जाता है। अरे क्या क्या बात है, मेरी आंखें क्यों बंद कर दी? क्या दिखाना है मुझे, जल्दी बताओ, मुझे रोटी बनानी है, देर हो रही है। ये देखो चारू, हमारी नई कार। हमारी नई कार? ये तो बहुत ही सुंदर कार है, ये कहाँ से ली धर्मेश? चारू ये खरीदी नहीं है, मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है, हमारी शादी की सालगिरह का तोहफा है ये, मेरी ओर से तुम्हारे लिए। चलो ना धर्मेश, हम इस पर कहीं घूमने चलते हैं। चारुलता और धर्मेश मिट्टी की कार में घूमने निकलते हैं। सब लोग उनकी मिट्टी की कार को देख रहे थे और हैरान हो रहे थे और वाहवाही कर रहे थे। वहीं लोगों के बीच दो चोर भी खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। अगर इस कार को हम चुरा लें और दूसरी जगह बेच दे तो हमें बहुत फायदा होगा। हाँ भाई, ये मिट्टी से बनी कार तो कोई भी अमीर सेठ अच्छे दामों में खरीद लेगा। इस तरह की नई चीजें अपने पास रखना अमीर लोग बहुत पसंद करते हैं। रात में जब धर्मेश और चारुलता सो रहे थे, दोनों चोर उनकी कार को लेकर भाग गए। जब चारुलता सुबह सोकर उठी तो उसने धर्मेश को आवाज लगाई, अरे हमारी कार कहाँ चली गई? धर्मेश देखो, हमारी कार को कोई चुरा कर ले गया है, यहाँ नहीं खड़ी। चारु, मैंने तुम्हारे लिए वो कार बहुत मेहनत से और मन से बनाई थी, देखना मैं तुम्हारे लिए एक और नई मिट्टी की कार बनाऊंगा। धर्मेश दोबारा एक नई मिट्टी की कार बनाता है। मिट्टी की कार आ जाने से चारुलता बहुत खुश होती है और वो धर्मेश से कहती है, आज मुझे पता चल गया कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, देखना एक दिन हमारी किस्मत भी बदलेगी और हमें भी एक दिन ऐसा आएगा जब पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। चारू तुम बहुत सही कह रही हो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अच्छा चारू, मुझे दूसरे गांव के जमींदार साहब ने अपनी गाड़ी में टायर बदलने और पंचर लगाने के लिए बुलाया है। तो आप पैदल मत जाना, आप अपनी मिट्टी की कार ही लेकर जाओ, आने जाने में आसानी होगी। धर्मेश दूसरे गांव के जमींदार की गाड़ी ठीक करने के लिए जाता है। जमींदार जब धर्मेश की मिट्टी की कार देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। धर्मेश
ये मिट्टी की कार तो देखने में बहुत ही अद्भुत है, कहाँ से खरीदी? जमींदार साहब, ये कार मैंने खुद बनाई है। क्या, तुमने ये मिट्टी की कार अपने हाथों से बनाई है? अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही अलग किस्म की कार है। अगर मैं तुझसे एक ऐसी ही कार खरीद लूं तो कितने की मना कर देगा? जमींदार साहब, क्या आप मिट्टी की कार खरीदेंगे? हाँ भाई, मिट्टी की कार तो मैं जरूर खरीद लूंगा। इसमें बैठने में कितनी ठंडक मिलेगी और बैठने में अलग ही आनंद आएगा। ठीक है सेठ जी, मैं बना दूंगा, आप अपनी इच्छा से पैसे दे देना। हाँ ठीक है, ना तेरी ना मेरी, मैं इस कार के तुझे पूरे 20,000 रुपए दूंगा। धर्मेश खुशी खुशी घर आ जाता है। चारू लता भी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। धर्मेश कुछ समय बाद ही जमींदार साहब के लिए एक नई मिट्टी की कार बनाकर तैयार कर देता है और वो उसके बदले 20,000 रुपए धर्मेश को दे देते हैं। कुछ दिनों बाद जमींदार साहब धर्मेश को दोबारा गांव बुलाते हैं। धर्मेश, तुम्हारी मिट्टी की कार मेरे परिवार और रिश्तेदारों ने बहुत पसंद की। मेरे दामाद और बड़े भाई भी ऐसी ही एक कार खरीदना चाहते हैं। एक काम करो, उनके लिए भी एक एक मिट्टी की कार तैयार कर दो। ठीक है जमींदार साहब, मैं कुछ ही दिनों में बना दूंगा। धीरे धीरे धर्मेश की बनाई मिट्टी की कार आसपास हर जगह मशहूर होने लगती है। अब तो बड़े बड़े स्पॉन्सर भी उसमें पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और धर्मेश की मेहनत सफल होती है। धर्मेश और चारुलता का अमीर बनने का सपना पूरा हो जाता है। एक गरीब की मिट्टी की कार उसके सारे सपने पूरे कर देती। मदनपुर गांव में रमेश और जयेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। पूरा गांव उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। एक दिन रमेश और जयेश गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे, तभी गांव के मुखिया सुदेश काका वहां आ गए। रमेश और जयेश को वहां बैठा देखकर बोले, दिन भर बस यहाँ बैठे रहते हो, कभी कुछ काम ही कर लिया करो। तुम्हें पता भी है गांव में कितनी दिक्कत चल रही है, पर तुम्हें क्या, दिन भर मटर गश्ती करते रहो। काका, ऐसा क्या हो गया गांव में? अपने घर जाकर अपने घर वालों से पूछो। अरे अरे, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारा तो घर नहीं तो घर वाले क्या होंगे। सुदेश काका की बातें सुनकर जयेश गुस्से में बोला, काका आप ऐसे कुछ मत बोलिए, रमेश मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई, मेरा परिवार, सब कुछ है। तो सोच समझ कर बोलिए, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जयेश का गुस्सा देखकर रमेश ने बात संभालते हुए सुदेश काका की ओर देखकर कहा, काका ये जयेश तो कुछ भी बातें करता है, आप भी तो हमारे परिवार में है ना, ये पूरा गांव हमारा परिवार है। हाँ हाँ, दिखता है वो तो, गांव में पहले ही बहुत परेशानी चल रही है, तुम लोगों से बात करके मैं खुद का समय बर्बाद ही करूँगा। आप हमें बताइए काका, अगर हम कुछ मदद कर सके तो। रहने दो रमेश, इनको हमारी मदद की नहीं हमें ताने देते रहने की जरूरत है, क्योंकि इनके जीवन का यही तो एक उद्देश्य है। जयेश की बात सुनकर सुदेश काका वहां से मुंह बनाकर चले जाते हैं। तुम पागल हो क्या, ये हमारे गांव के लोग हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे परिवार के जैसे हैं, हमें इनकी तकलीफ समझनी चाहिए, ना कि ऐसी बेवकूफी करनी चाहिए। अच्छा, क्या तकलीफ समझे इनकी, क्या हमने पूरे गांव का जिम्मा उठा रखा है? अच्छा, मतलब तुम गांव की परेशानी में मेरा साथ नहीं दोगे, मतलब मैं खुद को अकेला मान लूं? जयेश रमेश की बातें सुनकर बोलता है, तू मेरा दोस्त नहीं सब कुछ है, मैं तेरे लिए इन गांव वालों का साथ दूंगा, अभी चलकर पता करते हैं कि गांव में तकलीफ क्या है। रमेश और जयेश दोनों सुदेश के घर जाते हैं। सुदेश घर के बरामदे में परेशान बैठा चाय पी रहा होता है। रमेश और जयेश आगे बढ़कर बोलते हैं, सुदेश काका क्या परेशानी है गांव में, हमें बताइए, हम भी इसी गांव का हिस्सा है, हमें जानने का पूरा हक है। हाँ काका,
आप बहुत परेशान हैं, हमें पता है। हमसे अपनी परेशानी बांट कर तो देखिए, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें। सुदेश काका रमेश और जयेश की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हमारे गांव के किसानों के पास मशीनों की बहुत कमी है, इस वजह से वो अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं और इसी कारण उनका बहुत नुकसान होता है। मेरे पास भी इतना पैसा तो नहीं है कि मैं गांव के हर किसान की मदद कर सकूं। काका आप परेशान ना होइए, हम कोई अच्छा रास्ता खोजते हैं। रमेश और जयेश गांव के और सुदेश काका के बारे में सोचते सोचते घर जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक कागज उड़ता हुआ आया जिसमें बाइक रेसिंग की प्रतियोगिता का लिखा होता है। दोनों कागज देखकर एक दूसरे की तरफ देखकर बोलते हैं, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ जयेश, अगर हम ये रेस जीत गए तो गांव के कई लोगों की मदद कर सकते हैं और सुदेश काका की मुश्किल भी खत्म कर सकते हैं। हाँ, और कई लोगों की नहीं सबकी मदद कर सकते हैं। 20 लाख का इनाम है। 20 लाख? हाँ यार, पर हम बाइक कहाँ से लाएंगे? अरे मेरे पास एक तरकीब है। क्या? मेरा एक दोस्त है विक्रम, वो स्पेशलिस्ट है बाइक बनाने में, हम उससे मिल लेते हैं। हाँ हाँ, ये बढ़िया रहेगा। रमेश और जयेश दोनों विक्रम के घर की ओर चल देते हैं। विक्रम घर पर बैठकर बाइक ही बना रहा होता है। जयेश विक्रम के पास जाकर उसको सारी बातें बताता है। विक्रम जयेश और रमेश की बातें सुनकर बोलता है, इन गांव वालों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया फिर भी तुम इनकी इतनी मदद कर रहे हो। हमें एक बाइक चाहिए रेस करने के लिए। लेकिन मेरे पास अभी कोई बाइक नहीं है जिससे तुम रेस कर सको। ऐसी बाइक तो बनानी पड़ेगी और मेरे पास अभी बाइक की बॉडी नहीं है, बस इंजन ही है। अरे तो एक काम करो ना, तुम एक कागज की बाइक बनाओ, हम दोनों भी मदद करेंगे। बॉडी तुम कागज की ही बनाना और इंजन अपना लगा देना। आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो फिर लग जाते हैं काम पर। मैं इतनी बढ़िया बाइक बनाकर दूंगा जिससे तुम दोनों आसानी से रेस जीत जाओगे। रमेश और जयेश दोनों मिलकर विक्रम के साथ बाइक बनाने में लग जाते हैं और कुछ देर की कड़ी मेहनत के बाद वो लोग कागज की बाइक बना लेते हैं जो दिखने में बहुत ही शानदार लग रही थी। तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब तुम आराम से ये रेस जीत सकते हो इस कागज की बाइक की मदद से। रेस से पहले हम इसको चलाकर देखना चाहते हैं। आहा, ले जाओ, बस ये रेड बटन मत दबाना। ठीक है। रमेश और जयेश दोनों कागज की बाइक पर सवार होकर पूरे गांव में घूमते हैं। गांव वाले ऐसी अनोखी बाइक देखकर चौंक जाते हैं और दोनों की बाइक देखने के लिए भीड़ लग जाती है। दोनों खुशी खुशी अपनी बाइक सभी को दिखाते हैं। अगले दिन होने वाले रेस की प्रतियोगिता में भी शामिल होने की बात भी बताते हैं। आया जी, कल हम इसी पेपर बाइक से रेस में हिस्सा लेंगे और जीतेंगे। दोनों अगले दिन होने वाले रेस में पहुंच जाते हैं, रेस में हिस्सा लेकर जीत जाते हैं और 20 लाख रुपए का इनाम लेकर गांव आ जाते हैं। गांव वाले ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। सुदेश काका भी दोनों से अपने किए के लिए माफी मांगते हैं और बोलते हैं, बेटा मेरी ही गलती थी कि हम तुम्हें समझ नहीं पाए, हमें माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं काका, आप हमारे बड़े हैं, आप हमें कुछ भी कह सकते हैं। काका ये लो पैसे और गांव वालों की मदद के लिए जो हो सके करो। सुदेश काका रमेश और जयेश को गले लगाते हैं और सब गांव वालों के साथ मिलकर रहते हैं। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। गोपाल के पड़ोस में ही सोहन नाम का एक अमीर लड़का भी रहता था। सोहन को अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। जब भी उसके पिता शहर जाते सोहन अपने लिए महंगे खिलौने मंगवाता और गांव के बच्चों को दिखा दिखा कर खेलता। पिताजी
ये हवाई जहाज तो कितना ऊपर उड़ता है। मैं अभी इसके साथ पास के मैदान में खेल कर आता हूँ। ये बोलकर सोहन अपना हवाई जहाज मैदान में उड़ाने लगता है। तभी उसके पड़ोसी बच्चे यश और मानव वहाँ आ जाते हैं। यश, मानव, ये देखो मेरा नया खिलौना। पता है बहुत महंगा है, मेरे पिताजी आज ही शहर से लाए हैं। बॉस सोहन, तुम्हारा हवाई जहाज तो बहुत ऊपर उठता है, क्या थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारा हवाई जहाज ले सकता हूँ? पागल हो गया है क्या? इतना महंगा खिलौना हाथ लगाने की तेरी औकात तक नहीं है। सिर्फ दूर से ही मेरा खिलौना देखो और मजे लो। चल यार यश, हम गोपाल के साथ गिल्ली डंडा खेलने चलते हैं। ये सोहन बहुत घमंडी है, हमें अपने महंगे खिलौनों को हाथ तक नहीं लगाने देता। हाँ हाँ, जाओ उस गरीब गोपाल के पास, उसके साथ तुम सिर्फ गिल्ली डंडा ही खेल सकते हो, मैं तो हवाई जहाज के मजे लूंगा। यश और मानव गोपाल के पास चले जाते हैं। अरे ये तो सचमुच गोपाल के पास चले गए, अब मेरा खिलौना देखने वाला कोई नहीं। पता नहीं सब उस गोपाल के पास ही क्यों चले जाते हैं, जबकि मेरे पास इतने महंगे और अच्छे खिलौने हैं। मुझे क्या, मैं तो घर जाकर पिताजी से और नए खिलौने मंगवाऊंगा, फिर देखता हूँ उस गोपाल को छोड़कर भागे भागे मेरे पास ही आएंगे। गोपाल बहुत ही अच्छा लड़का था, वो सब बच्चों से बहुत प्यार से बात करता था, उनके साथ अच्छे से खेलता था, इसलिए सब बच्चे गोपाल के साथ खेलना पसंद करते थे। गोपाल बहुत ही होनहार बच्चा था। गोपाल को एक शौक था, वो पुरानी टूटी हुई चीजों से नई चीजों का आविष्कार कर लेता था। एक दिन जब वो बच्चों के साथ खेलकर घर लौट रहा था, अरे ये पहिए तो बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ते हैं, मैं इनसे कुछ बना सकता हूँ, इन्हें घर ले जाता हूँ। अरे गोपाल बेटा, ये तू क्या उठा लाया है, पुरानी चीजों से रोजाना कुछ ना कुछ बनाता रहता है। पिताजी, मुझे पुरानी चीजों से सामान बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये पहिए उठा लाया हूँ, ये पहिए रास्ते में बेकार ही पड़े हुए थे। गोपाल कुछ देर तक पहियों को देखता है, फिर उसे सामने रखे लोहे के कुछ पाइप नजर आते हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इस सामान से एक मिनी बाइक बनाने की कोशिश करूं? फिर तो मुझे कहीं भी जाना होगा, मैं अपनी मिनी बाइक पर आसानी से जा सकता हूं। गोपाल बेटा, कुछ खा ले, बहुत देर से तू भूखा है, और तू ये क्या बना रहा है? माँ बस कुछ देर और, मैं मिनी बाइक बना रहा हूँ, जिस पर मैं तुम्हें अपने पीछे बैठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा, फिर तुम्हारे पैर भी दर्द नहीं होंगे। ठीक है मेरे राजा बेटे। देखते ही देखते गोपाल पुराने सामान से एक मिनी बाइक तैयार कर लेता है। माँ ये देखो, पिताजी मैंने ये मिनी बाइक तैयार कर ली है। अरे गोपाल बेटा, ये मिनी बाइक तो बहुत अच्छी लग रही है। तभी गोपाल के दोस्त यश और मानव भी वहाँ आ जाते हैं। वाह गोपाल, तूने तो पुराने सामान से ये बहुत अच्छी मिनी बाइक तैयार कर ली। गोपाल, क्या मैं तुम्हारी बाइक थोड़ी देर चला सकता हूँ? हाँ हाँ मानव, तुम मेरी बाइक को चलाकर कहीं भी घूम सकते हो। तीनों को बाइक पर घूमता देख सोहन भी वहाँ आ जाता है। ये देखो सोहन, गोपाल ने कितनी सुंदर और बढ़िया मिनी बाइक बनाई है, और गोपाल हमें इस पर बैठने से भी मना नहीं कर रहा है, हम इस मिनी बाइक पर कहीं भी घूम सकते हैं। मेरी बैटरी वाली मिनी बाइक के सामने ये टूटे फूटे सामान से बनी कबाड़ा मिनी बाइक तो कुछ भी नहीं है। मैं पिताजी से बहुत महंगी वाली मिनी बाइक पहले ही मंगवा चुका हूँ, आज शहर से लेते हुए आएंगे। तभी वहाँ सोहन के पिता आ जाते हैं। ये देखो सोहन बेटा, मैं तुम्हारे लिए बैटरी से चलने वाली मिनी बाइक लेकर आया हूँ। पिताजी ये तो बहुत अच्छी मिनी बाइक है। पिताजी मेरी बाइक तो इस गोपाल की खटारा बाइक से बहुत अच्छी है। अरे सोहन बेटा, तुम्हारी मिनी बाइक पूरे 50,000 रुपए की है। इस मिनी बाइक के सामने पूरे गांव में ये गोपाल की मिनी बाइक को कोई पूछेगा भी नहीं। सेठ जी, हम जानते हैं हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, आप कहाँ और हम कहाँ, पर ये मिनी बाइक मेरे बेटे ने बहुत ही मेहनत से बनाई है, इसलिए आप इसके बारे में कुछ गलत ना ही बोलो तो बेहतर होगा।
यश, मानव, क्या तुम मुझे इस मिनी बाइक पर बैठकर घूमते हुए नहीं देखोगे? नहीं सोहन, गोपाल की मिनी बाइक ज्यादा अच्छी है, हम इसी के साथ खेलेंगे। पिताजी, अब मैं ये मिनी बाइक किसको चलाकर दिखाऊंगा? ये लोग तो मेरे साथ आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, 50,000 की मिनी बाइक की जगह आज तुम लोगों को इस गरीब की खटारा मिनी बाइक अच्छी लग रही है? तो हो जाए एक मिनी बाइक रेस, मेरे सोहन बेटे की मिनी बाइक और गोपाल की मिनी बाइक, दोनों की आपस में रेस होगी। जो इस रेस में जीतेगा उसी की मिनी बाइक सबसे अच्छी मानी जाएगी। मुझे मंजूर है, मैं बाइक रेस में हिस्सा लूंगा। पिताजी, मैं भी तैयार हूँ इस मिनी बाइक रेस में हिस्सा लेने के लिए। मैं तो इस गोपाल को मिनटों में हरा दूंगा और जीत जाऊंगा। मुझे पता है सोहन बेटा कि तुम ही जीतोगे। ये तो बस इन बच्चों को दिखाना है कि कौन सी मिनी बाइक बेहतर है। सभी को पता चल जाएगा कि तुम्हारी मिनी बाइक सबसे अच्छी है। ठीक है गोपाल, अब हम रेस के मैदान में ही मिलेंगे। सोहन अपने पिता के साथ घर चला जाता है। यश और मानव गोपाल से कहते हैं, देखना गोपाल, ये रेस तू ही जीतेगा, हम तेरे साथ हैं। हाँ गोपाल, तू भी दिखा दे कि तू किसी से कम नहीं। ये सोहन तो अपने आप को बड़ा बनता है, अपनी अमीरी पर घमंड करता है। गोपाल, मैं और तेरी माँ हमेशा तेरे साथ हैं। बस तू हिम्मत करके इस रेस को जीतना। गोपाल और सोहन अपनी अपनी मिनी बाइक लेकर मैदान में पहुंचते हैं। दोनों में रेस शुरू हो जाती है। गोपाल की मिनी बाइक सोहन की मिनी बाइक से आगे निकल जाती है। सोहन की मिनी बाइक की गति धीमी हो गई थी, इसलिए गोपाल ये रेस जीत जाता है। गोपाल के माता पिता यश और मानव सब बहुत खुश होते हैं और खुशी से ताली बजाने लगते हैं। गोपाल जीत गया, गोपाल जीत गया। गोपाल, तुम्हारी मिनी बाइक सच में बहुत अच्छी है। मेरी मिनी बाइक की बैटरी खत्म हो गई थी, पर तुम्हारी मिनी बाइक अपनी रफ्तार से लगातार चलती रही। हाँ गोपाल बेटा, तुमने जो ये मिनी बाइक बनाई है ये सच में बहुत अच्छी है। इस मिनी बाइक रेस के विजेता तुम हो। शुक्रिया सेठ जी, मुझे इतना प्रोत्साहित करने के लिए। वैसे सोहन की मिनी बाइक भी बहुत अच्छी है। यदि ये इस बाइक को पूरी तरह से चार्ज करता तो सोहन की मिनी बाइक भी तेज रफ्तार से दौड़ती, बीच रास्ते में कभी नहीं रुकती। गोपाल बेटा, तुम बहुत ही समझदार बच्चे हो। देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। जीते रहो बेटा। सभी गांव वाले भी गोपाल की बहुत तारीफ करते हैं। गोपाल ने साबित कर दिया था कि हम जिंदगी में मिनी बाइक रेस या फिर कोई भी रेस जीत सकते हैं, यदि हमारे मन में उस रेस को जीतने की सच्ची लगन हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।